भारत ने चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पिछले 8 महीनों में अरुणाचल प्रदेश से सटे चीन बॉर्डर पर सेना की मौजूदगी बढ़ाई है। यह सैन्य मौजूदगी रणनीतिक तौर पर संवेदनशील माने जाने वाले दिवांग, दाऊ दलाई और लोहित घाटी में बढ़ाई गई है। सैन्य मौजूदगी बढ़ने वाले स्थानों में 17,000 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ियां और घाटी की गहराई में स्थित नदियां भी शामिल होंगी। सेना के अधिकारियों ने बताया कि भारत संवेदनशील तिब्बती क्षेत्र में सीमाओं पर चीन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए निगरानी को मजबूत कर रहा है। ये कदम चीन के साथ हुए डोकलाम और पिछले कुछ समय में डोकलाम में चीनी गतिविधियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। पिछले साल भारत और चीन की सेनाएं डोकलाम क्षेत्र को लेकर 72 दिनों तक आमने सामने रही थीं। सेना के अधिकारियों ने कहा कि हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेना अब अपनी लंबी दूरी की गश्तों को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, जिसमें छोटी छोटी टुकड़ियां 15 से 30 दिन के लिए गश्त पर भेजी जाती हैं। सेना का कहना है कि भारत ने यह कदम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति को बनाए रखने के लिए लिया है। सैन्य अधिकारी ने यह भी कहा कि सेना ने भारत, चीन और म्यांमार ट्राई जंक्शन जैसे अहम रणनीतिक इलाकों में भी सेना तैनाती की है। सैन्य अधिकारी ने कहा कि चीन भारतीय बॉर्डर के करीब लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, खासकर तिब्बत इलाके में। इसलिए भारत को भी जल्द ही इस इलाके में सड़कों का नेटवर्क बढ़ाना होगा, ताकि सेना को यहां जल्दी पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। हालांकि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक दिवांग घाटी और लोहित घाटी को जोड़ने के लिए कई रोड्स प्रोजेक्ट्स अंतिम चरण में हैं, इससे अरुणाचल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। चीन पिछले काफ़ी समय से भारत से लगे 4,000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर्स पर निर्माण कार्यों में जुटा है। कुछ ही दिनों पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि चीनी सेना बॉर्डर से सटे इलाकों में हेलीपैड्स, सेंट्री पोस्ट और दर्रे बना रही है। सूत्रों के मुताबिक चीन डोकलाम में भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है।